आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि प्रशासन और पुलिस सिस्टम को हम गुमराह कर सकते हैं। हाल ही की उदयपुर की एक घटना जिसमें एक विवाहिता ने स्वांग रचा और खुद के तालाब में डूबने की खबर पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाई। गोताखोर आए, पूरा सिस्टम लग गया, प्रशासनिक टीमें आई और लगातार 4 दिन तक युवती की लाश की तलाश की गई। लाश तो तब मिलती जब वो डूबी होती। अपने एक साथी और अपने बहन की मदद से परिवार के साथ न रहने की सोचकर, स्वच्छंद जीवन जीने को सोचकर एक युवती ने यह स्वांग रचा, एक प्लान रचा जहां उसकी बहन जाकर पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट देती है कि मेरी बहन उस तरफ गई थी और उसके पर्स, उसके जूते और कुछ चीजें मिली है। यह संभावना है कि वह पानी में डूब चुकी। गोताखोर आए, पुलिस टीमें आई, तलाश की गई, नहीं मिला। आखिर पुलिस ने उस युवती को दस्तियाब किया और वह निकली शहर में किसी और के घर पे। पुलिस ने रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं पुलिस ने आम जनता से चेतावनी के रूप में निवेदन किया, इस तरह की झूठी खबरें नहीं फैलाए और इस तरह की झूठी खबर फैलाने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा और वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी झूठ बोलने की खबर ने पूरे पुलिस सिस्टम, पूरे प्रशासन को सत्ते में ला दिया। गोताखोर बुलाए गए और एक कुल मिलाकर प्रशासन का, पुलिस का एक लंबा समय और संसाधन पर व्यय हुआ। किसके पैसे से जाता है, किसके पैसे से पुलिस प्रशासन को सैलरी जाती है, किसके पैसों से गोताखोर को सैलरी जाती है? एक आम टैक्स पेयर के व्यक्ति के सैलरी से। उसका खामियाजा क्यों भुगते एक आम व्यक्ति? लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हम पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पुलिस अपनी कार्रवाई पे आए तो मंदिर के बाहर पड़ी चप्पल चोरी नहीं हो। और यह हकीकत है, यह हकीकत है। यह बात अलग है कुछ अपराधों के मामले में पुलिस के कुछ अनुसंधान अधिकारी पद और प्रभाव में काम नहीं करते हैं, जिससे आम जनता में वेदना उत्पन्न होती है। लेकिन एक आम व्यक्ति का पुलिस और प्रशासन को गुमराह करना बिल्कुल ही गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस प्रशासन या सिस्टम को गुमराह करके संसाधन पर व्यय बढ़ाते हैं, संसाधन को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार की जो खबरें हैं वो बहुलता के साथ अखबार में प्रकाशित होनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति के मन में जागरूकता पैदा हो और इस प्रकार के एक्ट न करें। पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया या संसाधन हो गए, ये हमारी सुविधा के लिए। जब हमें वास्तव में कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले उठ के पुलिस और प्रशासन को ही आना है। लेकिन यदि उनको ही आप गुमराह करेंगे, उनको ही यदि आप परेशान करेंगे, तो निश्चित रूप से सोचना लाजमी है कि आपकी सोच कितनी नाकारा हो सकती है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि हमने पुलिस को धोखा दिया। नहीं, पुलिस की तो मॉक ट्रायल भी होती है। आपने कई बार सुना होगा यहां बम है और पुलिस पहुंच गई, एम्बुलेंस पहुंच गई, अग्निशमन नियंत्रक पहुंच गए, कलेक्टर पहुंच गए, अधिकारी पहुंच गए। ये उनकी मॉक ट्रायल होती है जो वो करते हैं। लेकिन आप कोई गलत खबर देते हैं तो वो मॉक ट्रायल नहीं होगी, वहां होगा कानूनी अपराध। इस चीज को ध्यान रखें। जनहित में ऐसी पोस्टों को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून से जुड़ी प्रत्येक अपडेट और जनहित से जुड़ा प्रत्येक मुद्दा हमारे चैनल पर उठाया जाता है। धन्यवाद।